हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे छोटे दोस्तों के लिए एक एंजल ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा एंजल। और ये एंजल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर बना लेंगे उसका फेस के लिए। एंजल के जो फेस हैं उस फेस के लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया एक स्क्वायर। अब इसके नीचे का जो लाइन है, इस नीचे का लाइन जो है, इस नीचे का लाइन को हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। साइड का जो लाइन है उसको हाफ करके ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कार्व कर लेंगे। और ये जो स्क्वायर बनाया था वो कंस्ट्रक्शन लाइन था, उसको इरेज कर लेंगे। अभी इसके ऊपर हम हेयर बनाएंगे और हेयर के लिए तीन ऐसे कार्व लाइंस कर लेंगे, तीन कार्व लाइंस। तो ऊपर का हिस्सा जो है हेयर का वो बन जाएगा। अभी लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, हम एक एस टाइप का बनाएंगे शेप, और वो एस शेप का नीचे का जो पोर्शन है उसको एक कार्व लाइन करके वो फेस के साथ जोड़ लेंगे। और राइट साइड में भी ऐसे ही एस टाइप का करेंगे और नीचे कार्व लाइन करेंगे और फिर से एक एस करेंगे, उल्टा एस, और नीचे कार्व करके जोड़ लेंगे। और ऊपर का जो हेयर का जो ऊपर का हिस्सा है वो बना रहे हैं हम। अभी इसके ऊपर हेयर बैंड टाइप का एक बना देंगे। नीचे गला होगा, दो लाइंस और नीचे कर्व लाइन, और गला थोड़ा सा पतला होगा। और अभी जो बॉडी बनाएंगे, उस बॉडी बनाने के लिए हम फिर से एक स्क्वायर बना लेंगे। जितना बड़ा हम फेस के लिए स्क्वायर बनाया था उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे एक स्क्वायर बॉडी के लिए। अभी बॉडी का साइड जो लाइन है उसको थोड़ा कर्व कर लेंगे बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी उतना स्टीफ स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। अभी नीचे जो है स्कर्ट के लिए हम और दो कर्व लाइन बनाएंगे, दो कर्व लाइन बनाएंगे। अभी हम देख रहे हैं जो स्कर्ट बनाया वो स्कर्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बाद में उसको ठीक कर लेंगे। अभी इसके ऊपर जो स्लीव्स बनाएंगे, हाथ का जो स्लीव्स है वो स्लीव्स बना लेंगे। और ये स्लीव्स जो है ये एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, उस हाथ बनाने के लिए दो ओवल शेप बना लेंगे, ओवल शेप बना लेंगे, एक बड़ा ओवल शेप, एक छोटा ओवल शेप थाम के लिए। अभी थाम बना रहे हैं। अभी और जो बाकी फिंगर्स हैं वो फिंगर्स बनाएंगे। और ये हाथ एक मैजिक वंड पकड़ा हुआ है, इसलिए पहले मैजिक वंड बना लेते हैं हम लोग, एक लंबा सा स्टिक टाइप का। और उस स्टिक के ऊपर से हम जो फिंगर्स हैं, ये है इंडेक्स फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, देन रिंग फिंगर एंड देन लिटिल फिंगर, ये चारों फिंगर्स उधर बना लेंगे। अभी नीचे का लाइन और ये जो अदर पार्ट ऑफ दैट स्लीव, अदर साइड, वो बना लेंगे। अभी ये जो मैजिक स्टिक है वो मैजिक स्टिक के ऊपर हम एक स्टार बनाएंगे, 5-point स्टार, ऐसे एक ट्रायंगल का टाइप का शेप, और उसके ऊपर से दो और पॉइंट से जोड़ देंगे ऐसे, ये पॉइंट, अभी इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ देंगे। अभी और एक हैंड बना देंगे उधर, उस हैंड में कुछ नहीं होगा, सिर्फ हैंड जेस्चर होगा। तो वो ये स्लीव बन गया, अभी ये हैंड बना रहे हैं। फिर से ये ओवल से बनाएंगे हाथ का जो पम है उसके लिए, और इधर पम दिखेगा नहीं, सिर्फ जो थंब है उसकी जो शुरुआत है, थंब जहाँ से शुरू हो रहा है उसके लिए वो शेप बना लिया था। अभी फिंगर्स बना रहे हैं ऐसे, और एक फिंगर दे दिया इधर, लिटिल फिंगर शायद दिखेगा नहीं उधर से, तो वो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये स्लीव ड्रॉ कर लेंगे और जोड़ लेंगे ऐसे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा फोल्ड्स हो गया, ये वाला हैंड भी हो गया। अभी ये जो जो स्कर्ट था वो स्कर्ट थोड़ा सा छोटा हो गया था बोला मैंने, तो उस कार्ड को नीचे की तरफ और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि हाथ का जो प्रोपोर्शन है उस हिसाब से अगर देखें तो इस कार्ड थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो हम ऐसे इस कार्ड को थोड़ा बढ़ा लिया
और थोड़ा फोल्ड्स जो है एक दो फोल्ड्स दे दिया। और अभी पैर बनाएंगे, तो फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट नहीं है इसलिए। तो अभी दो पैर बना लेते हैं इधर, और अंदर से ऐसे राउंड करके वो पैर, जो जूता और पैर जो है वो अलग अलग से लाइन से बना लेते हैं। अभी ये फोल्ड्स हैं, अभी थोड़ा इरेज कर लिया एक्स्ट्रा लाइंस को, अननेसेसरी जो लाइन दिया था। अभी ये फेस के ऊपर जो हम आईब्रोज होते हैं, आईब्रोज बना लिया। अभी आईज बनाएंगे, थोड़ा स्ट्रेट लाइन करके फिर कार्ब लाइन बना लिया। तो अभी ये लाइन्स थोड़ा ठीक से बनाना होगा, अभी इरेज कर रहे हैं करके फिर से स्ट्रेट लाइन इधर छोटा सा थोड़ा सा होगा। अभी इसमें और एक कार्ब लाइन इधर बना लिया आई के लिए। अभी नोज़ के लिए सिर्फ इतना लाइन काफ़ी है, और ये लिप्स जो है, लिप्स हो गया। अभी ये जो आइरिस है अंदर, आइरिस किया, और आइरिस के ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा लाइट का, वो रिफ्लेक्शन बड़ा वाला कार लाइन। अभी आईलैशेस, हम लोग इसको कलर करेंगे इसलिए उतना ज़्यादा पेंसिल शेडिंग से और पेंसिल डार्क टोन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर कलर करेंगे, शायद पेंसिल कलर से करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं पेंसिल कलरिंग दिखाएं। अभी ये विंग बना दे रहे हैं, और ये विंग थोड़ा सा बर्ड्स विंग टाइप का लगेगा, क्योंकि ये एंजल है। फेरी और एंजल में डिफरेंस रहता है, फेरी होता है छोटा, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, बिल्कुल भी छोटे बच्चे, और उनका जो विंग्स होता है वो होते हैं इंसेक्ट का विंग टाइप का, और एंजल जो होता है ये बर्ड विंग जैसा होता है, बर्ड विंग जैसा। पहले ये बर्ड विंग जैसा बना लिया थोड़ा सा, और ये आसान सा एक एंजल बन गया। अभी थोड़ा सा डिटेलिंग हम वर्क कर सकते हैं, जो जगह पे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए उस जगह पर थोड़ा थोड़ा डार्क बढ़ा सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कलर करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम कलर दिखाएं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीबॉडी।